आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 15वें लेक्चर की, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो चल रही थी। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें देखी थी और आज हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की बात करेंगे, भारत के क्रांतिकारियों की बात करेंगे, सेलिब्रेटेड हीरोज की बात करेंगे। मैं 1757 से लेकर 1947 तक भारत का आधुनिक इतिहास कवर कर रहा हूं। आप जरूर इस लेक्चर्स को देखें, जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन भी जाएगी और हम और अच्छे वीडियोस लेके आएंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रांतिकारी गतिविधियों की। अभी तक हमने बात की थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस एरा, गांधीयन एरा, स्वराज पार्टी, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने साइमन कमीशन की बात की थी और पूर्ण स्वराज की बात की थी, लाहौर सेशन की बात की थी। ठीक है, 1930 तक अब बात हो चुकी है, लेकिन अब हम बात करेंगे पैरलली कुछ चल रहा था। इधर कांग्रेस अपना जो प्रोग्राम्स है वो चला रही थी, कांग्रेस स्वराज पार्टी एक तरीके से कांग्रेस के कट से ही, कांग्रेस से कट के निकली थी वो असेंबली में जाके चीजें उठा रही थी और इधर मूवमेंट चल रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं एक तीसरा तबका उभर रहा था बहुत तेजी से। भारत में क्रांतिकारी जो थे उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत कोशिश की। देखिए कांग्रेस में जो नरम दल था, जो मॉडरेट थे, वो क्या बोल रहे थे, हमको आजादी चाहिए, बहुत अच्छी बात है आजादी चाहिए, ऊपर ब्रिटिश भी रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हमको डोमिनियन स्टेटस भी मिल जाता है, हम ब्रिटिश के अंदर ही काम कर रहे हैं, हमको कानून अच्छा मिल जाए, हमको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ और सिर्फ सरकार चाहिए। दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट, ये क्या बोल रहा था, ये गरम दल था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय सब क्या बोलते थे कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वदेशी करो, स्वदेशी बनाओ, लेकिन हमारा जो मेथड होगा वो पीसफुली होगा, थोड़ी बहुत हिंसा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेथड्स होंगे वो पीसफुल ही रहेंगे, अहिंसावादी हम रहेंगे। ठीक है, अच्छा तीसरा तबका था क्रांतिकारी। ठीक है, ब्रिटिशर इनको आतंकवादी कहती थी, तीसरा तबका था क्रांतिकारी, ये बोलते थे भारत की आजादी के लिए हमको जो करना है वो हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो लेकिन भारत की आजादी के लिए हम लड़ेंगे, भले ही उसमें हमारी जान क्यों ना चली जाए और भले ही उसमें ब्रिटिशर से हमको लड़ना ही क्यों ना पड़े। तो ये थे हमारे क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी। ठीक है ना, अब हम यहां पे देख रहे हैं कि कोई भी जो क्रांतिकारी है वो ऐसे तो है नहीं कि आज मुझे क्रांतिकारी बनना है कल बन गए, ऐसा नहीं है। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होती है, ठीक है, वहां लीडर्स होते हैं आपको गाइड करते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं। बंगाल में ये बहुत ज्यादा एक्टिव था जो क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो अनुशीलन समिति हम देखते हैं बंगाल में, जो कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी क्रांतिकारियों के लिए, अनुशीलन समिति वरदान थी, लेकिन ये सब अंडरग्राउंड काम करती थी। ब्रिटेन जो था, अगर ब्रिटिश की सरकार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी क्रांतिकारी को पकड़ लेती तो बहुत टॉर्चर करती थी, बहुत टॉर्चर किया जाता था, बहुत लोग तो पुलिस कस्टडी में ही मर जाते थे, तो बड़ा टॉर्चर किया जाता था और फांसी दे दी जाती थी, और अगर एक पकड़ा गया तो सारे पकड़ लिए जाते थे, ये भी बड़ी दिक्कत थी। तो ये सब अंडरग्राउंड काम होता था, ठीक है, एकदम खुल के नहीं आते थे लोग कभी भी। तो अनुशीलन समिति आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है, प्रमाथ नाथ मित्रा ने बनाई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था। ढाका और ईस्टर्न बंगाल में ये बहुत ज्यादा एक्टिव था, ठीक है ना, और बहुत सारी ब्रांचेस थी। इनफैक्ट खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की, जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी थे वो अनुशीलन समिति से ही एसोसिएटेड थे। फिर था जुगांतर, जुगांतर की बात करें तो इस नाम से पेपर भी आता था, ठीक है। अच्छा, प्रिंट मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान था, ये जो क्रांतिकारी, ये जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस थे ये अपनी मैगजीन्स भी पब्लिश करते थे, ठीक है, हालांकि ज्यादातर मैगजीन्स ब्रिटिश ने बैन कर दी थी, लेकिन फिर भी ये अंडरग्राउंड तरीके से किसी तरीके से पहुंची जाती थी और उसके बाद सब कुछ लिखा होता था यहाँ पे। इन जितने भी ये पेपर्स आते थे, जो मैगजीन्स आती थी, जो पैम्फलेट्स होते थे, उसमें भारत की आजादी के बारे में और ब्रिटिश सरकार के बारे में सब कुछ लिखा होता था, ठीक है ना। तो ये चीज थी। जुगांतर की बात करें दोस्तों तो ये बरिन घोष इसके मेन लीडर थे और इसमें बहुत सारे लोग थे, बागा जतीन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इन ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद था कि क्रांतिकारियों को इकट्ठा करें, हथियार दे उनको, ठीक है, जो चाहिए वो दे, पैसा दे, ताकि वो क्रांतिकारी गतिविधियों से भारत को आजाद करा सके। उसके बाद दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाद में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया था।
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये उत्तर प्रदेश में एक्टिव थी, इसको तो बनाया ही कानपुर में 1924 में गया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, भगत सिंह बाद में जुड़ गए, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान, ये सब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और काफी हम देखते हैं कि जो क्रांतिकारी प्रोग्राम्स हुए उसमें हिस्सा लिया और बहुत जबरदस्त इनका योगदान था, ठीक है। हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान को फांसी हुई, पकड़ लिए गए थे, अभी हम बात करेंगे एक एक चीज की। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये एक और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या था, इसका एम क्या था, कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत को पूरी तरीके से आजाद कर दो, और उसके लिए जो कुछ भी लगे हम अपने प्राण प्राण भी दे देंगे, ठीक है। कितने लोग तो फांसी चढ़ गए। उसके बाद दोस्तों आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर कौन कौन सी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, सबसे बड़ी इंडिया हाउस 1905 से लेकर 1910 तक ये एक्टिव थी, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट भी उस समय चल रहा था। इंडिया हाउस श्याम कृष्ण वर्मा ने बनाई थी, ये आपको याद रखना है, श्याम कृष्ण वर्मा। लंदन में सारे के सारे क्रांतिकारी मिलते थे। देखिए भारत के अंदर तो जरूरी था ही कि ये सारे मूवमेंट चलें, भारत के बाहर भी तो देखना था ना, भारत के बाहर लंदन, अमेरिका, यहां पे भी देखना था। क्यों? क्योंकि जो लोग, जो भारतीय वहां पे रहते थे, जो इंडियन डायस्पोरा बाहर रहता था, उनको भी ये बताना था कि ब्रिटिशर कर क्या रहे हैं। और इनका मेन काम ये था कि सबसे पैसे इकट्ठा किए जाए, क्योंकि बाहर जो थे उनके पास पैसा था, जो लंदन में भारतीय रहते थे, इंडियंस रहते थे, उनके पास पैसा था, उनसे पैसा लो, वो पैसा भेजो भारत, और वो किसको जाए, वो क्रांतिकारियों को जाए, ताकि वो वेपन्स इकट्ठा कर सके, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, और अपने प्रोग्राम को अच्छे से आगे चला सके। तो ये जो इंडिया के बाहर ऑर्गेनाइजेशन थी उनका यही पर्पस था, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया हाउस यहां पे लंदन में हम ये देखते हैं, श्याम कृष्ण वर्मा का घर ही सेंटर था, सारे क्रांतिकारी यहां पे मिलते थे, सारे इंटेलेक्चुअल्स यहां पे मिलते थे और अपने अपने आइडियाज देते थे। ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, ये इंडिया हाउस पब्लिश करता था, और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था। आउटसाइड द इंडिया जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो अपने पेपर्स पब्लिश करती थी, अपनी मैगजीन्स पब्लिश करती थी, उसमें ब्रिटेन की सरकार का कच्चा चिट्ठा होता था कि हम बताते हैं ये एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो ये जो था काफी ज्यादा बिकता भी था, ठीक है, बहुत लोग खरीदते थे, बहुत लोग पढ़ते भी थे। उसके बाद दोस्तों गदर पार्टी, गदर पार्टी की बात करें तो वैसे तो गदर नाम से एक न्यूज़पेपर पहले आता था, और बाद में इसको मतलब एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है ना। ये बेसिकली सिख ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, और इसमें जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो थे लाला हरदयाल, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले गदर न्यूज़पेपर आता था, उसमें ब्रिटिश सरकार का कच्चा चिट्ठा होता था, लेकिन जब कुमागटा मारू इंसिडेंट हुआ 1914 में, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि कुमागटा मारू जो था वो एक शिप था, वो जापानी शिप था, ठीक है ना। यहां पे कुछ लोग जो है वो कैनेडा के लिए निकले थे, आपको पता ही है कि कैनेडा में इंडियंस बहुत सारे रहते हैं, स्पेशली सिख, ठीक है भैया, 40% तो वहां पे भारतीय रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। तो कनाडा में जो इमाइग्रेशन लॉज है वो बहुत अच्छे हैं, आप आसानी से वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिका के ऊपर ही है, ठीक है, अमेरिका के आप थोड़ा ऊपर चले जाइए, कनाडा है, और कनाडा उस समय ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ठीक है, मतलब ब्रिटिश के अंडर था। तो यहाँ पे जो जापानी शिप है कुमागटा मारू वो निकला था, ठीक है, कनाडा के लिए, ठीक है, अब 1914 में निकला था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जब वो कनाडा पहुंचा, सिंगापुर से जाते हुए वो कनाडा पहुंचा, ठीक है, हुआ ये कि जैसे ही वो कनाडा के कोस्ट पे पहुंचा, वहां पे उस शिप को आने ही नहीं दिया। ब्रिटिशर ने कैनेडियन सरकार को बोला, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है, बहुत ज्यादा कनाडा का इन्फ्लुएंस था, कनाडा को डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन फिर भी अब डोमिनियन स्टेटस है तो बात तो ब्रिटिशर की मारेंगे, कि बिल्कुल भी इस शिप को कनाडा में आने मत दो, ठीक है। तो उसमें जो लोग थे, 376 पैसेंजर्स थे, ठीक है ना, और पंजाब से निकला ये पूरा, उसके बाद फिर सिंगापुर होते हुए उसको कनाडा पहुंचना था। अब 376 पैसेंजर्स को कनाडा में आने ही नहीं दिया गया, वो जो कोस्ट था ना, जो तट था, वहीं उनका शिप 1-2 महीने तक रहा, 2 महीने तक उनका वहीं शिप रहा, भूखे प्यासे जो सप्लाई थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर को ये लग रहा था कि इसमें रेवोल्यूशनरी है, ठीक है, इसमें क्रांतिकारी है, एक बार कनाडा में चले गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और कनाडा में पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया, ठीक है ना,
कनाडा की मीडिया ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, कनाडा के लोगों को यह बताया कि देखो ये इंडिया से इन्वेडर्स आ गए हैं और इंडिया से आक्रमणकारी आ गए हैं, कैनेडियन कल्चर को पूरा बर्बाद कर देंगे, कनाडा को पूरा बर्बाद कर देंगे, इनको बिल्कुल आने नहीं देना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये लोग आम लोग थे, ये तो सिख थे। बाबा गुरदीत सिंह इनके लीडर थे, बाबा गुरदीत सिंह भी शिप पे थे और वो चाह रहे थे कि ये जो शिप है ये कनाडा वैंकूवर में लैंड हो जाए, मतलब पार्क हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि इसी दौरान 1914 में ही वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया तो ब्रिटिश ने बोला कि जितने भी शिप हैं, ठीक है, जो भी चीज बाहर जा रही है जहां पे ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस था, ठीक है, उनको वापस उनके ओरिजिनेशन पॉइंट पे भेज दो। यानी कि शिप निकला था भारत में, ठीक है, अब इसको वापस भारत में भेज दो। ये वर्ल्ड वॉर वन में बोला गया कि कोई भी शिप है या कुछ भी अगर कहीं पे भी गया है तो उसको उसके वापस ओरिजिनल जहां से शुरू किया था उसको वापस वहीं भेजो, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में आपको पता ही है ब्रिटिश जो था वो एलाइड पावर्स में से एक था और उसको जंग जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, जर्मनी से जंग लड़ रहा था तो उसको लड़ रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शिप है इसमें सब क्रांतिकारी और हमारे लिए ही ये लड़ने लगे। तो शिप को 2 महीने तक तो वो शिप ऐसे ही घूमा, ठीक है, कनाडा के अंदर भी नहीं गया, उसको वापस भारत भेज दिया गया। तो ये जो लोग थे भूखे प्यासे वापस भारत गए 2 महीने तक। अब जब ये भारत में आया, ठीक है, जब ये कलकत्ता आया है ना, यहां पे कलकत्ता आया, अब कलकत्ता में इसको बोला गया कि इन सबको पंजाब भेजो, इन सबको पंजाब भेजो। अब वहां पे लोगों ने बोला भैया हमारा पंजाब से क्या लेना देना, हम क्या करें पंजाब जाके, हमको पंजाब नहीं जाना है, हम तो देखिए ये शिप जो था, मैंने शायद पंजाब से बोला था, आई एम सॉरी, ये शिप जापानी शिप था, ये हांगकांग से निकला था, याद रखिएगा, ये हांगकांग से निकला था और पूरा ये सिंगापुर होते हुए ये कनाडा पहुंचा था, ठीक है, और आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद फिर जब ये लोग भारत वापस आए, मतलब ब्रिटिशर ने इनको भारत भेजा, तो इनको बोला कि इनको पंजाब भेजो, इसमें सबके सब क्रांतिकारी हैं, इनके पास हथियार है, लेकिन ऐसा था ही नहीं। तो जो शिप में लोग थे उन्होंने कहा कि हमको पंजाब क्यों भेज रहे हो भैया, हमको उतरने दो, हमने इतने दिनों से खाना नहीं खाया, मर जाएंगे। तो वहां पे ब्रिटिशर ने बोला कि कुछ नहीं सुनना हमको, निकल लो चुपचाप यहां से, ठीक है, चलो पंजाब जाओ। अब वहां पे लोगों ने मना किया, लोगों को के ऊपर गोलियां चलवा दी, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि जबरदस्ती ये लोग ट्रेन में, जो ब्रिटिशर थे वो लोग ट्रेन में डालने की कोशिश कर रहे थे इनको उतार के, तो जब लोगों ने रेजिस्ट किया 20 सिखों की डेथ हो गई थी, ठीक है ना। क्या हुआ था कि दंगे हो गए, दंगे क्यों हुए, क्योंकि यहां पे लोग जाने को तैयार नहीं थे पंजाब और लोगों ने रिबेल कर दिया, पुलिस ने गोलियां चला दी, 20 सिखों की जान चली गई। तो ये इतना ज्यादा एक बेइज्जती थी, कुमागेटा मारू इंसिडेंट जो हुआ था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है, ये इतनी ज्यादा बेइज्जती थी सिखों की कि उन्होंने बोला कि अब तो ब्रिटिशर की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो भैया वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गया, तो गदर पार्टी ने एक पूरा मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की कि अब हम सबको, जितने भी क्रांतिकारी हमारे पास आओ, हर किसी से अपील की कि आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ आइए। लेकिन दिक्कत यह हो गई कि 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, 1915 में ब्रिटिशर ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित कर दिया, उसमें कोई भी क्रांतिकारी था पकड़ के जेल में डाल दो, टॉर्चर करो, कुछ भी करो उसको, लेकिन खुला नहीं घूमने देना है। तो गदर पार्टी के सारे लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, तो इनका मूवमेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। 1916 आते आते तक इनका पूरा मूवमेंट खत्म हो गया। अब इन्होंने राजबिहारी घोष से अपील की कि आप हमारे, आप क्योंकि इनके इनके लीडर जितने भी इनके लीडर थे सबको उठा के जेल में डाल दिया, तो राजबिहारी घोष से अपील की कि आप आइए लीडरशिप लीजिए हमारी। लेकिन दोस्तों बिना लीडरशिप के कोई भी, बहुत मुश्किल होता है, ये जो वैक्यूम होता है, एक लीडर को जेल में डाला, दूसरे लीडर को लेके आना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो भरोसा भी तो लोगों का होना चाहिए ना, तो इतना आसान नहीं था। तो गदर पार्टी का, जितनी तेजी से गदर पार्टी ऊपर आई उतनी तेजी से वो नीचे चली गई, मूवमेंट शुरू होने से पहले खत्म हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद एक बर्लिन कमेटी भी थी। अब हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पे। एक है चापेकड़ ब्रदर्स, आपको पता ही 1897 ये पहली कोशिश हुई थी। इसमें दोस्तों क्या था, वासुदेव चापेकड़ और दामोदर और बालकृष्ण, ये तीनों भाई थे, ठीक है, आईसीएस के चेयरमैन डब्ल्यूसी रैंड को मारने की कोशिश की थी। उस समय पूना में भयंकर प्लेग फैला हुआ था 1897 में। अब ये जो प्लेग था, ये जो महामारी थी, इसमें ब्रिटिशर पता क्या करती थी, किसी को भी अगर लगता था कि वो बीमार है उसको आप इलाज देंगे, प्यार से ट्रीट करेंगे, वो डंडे मारते हुए लेके जाती थी और हॉस्पिटल में डाल देती थी। इतना अमानवीय व्यवहार होता था, ऐसा लगता था कि जो जिनको प्लेग है वो बिल्कुल अलग ही दुनिया के हैं। तो ब्रिटिशर बहुत ही ज्यादा खराब व्यवहार करते थे। और ये भैया, ये जो आईसीएस के चेयरमैन थे, इंडियन सिविल सर्विस के चेयरमैन, ठीक है, डब्ल्यू सी रैंड,
ये इसके मतलब मुख्य आरोपी थे कि इनके ही कहने पे सब कुछ हुआ। तो यहां पे इनको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन रैंड तो नहीं मरे, लेफ्टिनेंट आयस्ट इनका इनका देहांत हो गया, ठीक है ना। तो इनको मारने की कोशिश की गई थी। अब दोस्तों वही है कि फिर जब मारने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर यहां पे हम ये देखते हैं कि इनको सजा हुई, पकड़ा इन तीनों को, और उसके बाद इन तीनों को फांसी दे दी गई। तो ये चापेकर ब्रदर्स 1897 का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। फिर अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी 1908 में, ठीक है ना, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई थी दोस्तों। मुरारी पुकुर कॉन्स्पिरेसी भी बोला जाता है, और मनिक टोला बॉम्ब इसको कॉन्स्पिरेसी भी बोला जाता है। किंग्स फोर्ट दे, ठीक है, देखिए इसमें जो डगलस किंग्स फोर्ट थे, जो जिसको लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ये चीफ मजिस्ट्रेट थे, ठीक है, मुजफ्फरपुर में ये कोशिश की गई। अब इसमें कौन था? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सिर्फ 17 साल के थे, और प्रफुल्ल चक्की, ये दोनों थे, ठीक है। अब ये दोनों थे, अब उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों को ये बोला गया कि तुमको मारना है किसको? डगलस किंग्स फोर्ट को। तो इन्होंने रेकी करना शुरू किया। मुजफ्फरपुर इनकी बहुत बड़ी कोठी थी, डगलस किंग्स फोर्ट की मजिस्ट्रेट थे, तो पूरे एरिया की रेकी करना शुरू की प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने, ठीक है। अब दोनों छोटे से लगते थे, ऐसा लगता था कि स्कूल जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। एक दो बार इनको पुलिस ने भी पकड़ा कि यहां पे क्या कर रहे हो, लेकिन क्योंकि बहुत छोटे लगते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहां पे हम देखते हैं पूरा प्लान उनका था कि कैसे हमको बम मारना है। लेकिन दिक्कत यह हुई कि जब किंग्सफोर्ड निकले, उनकी अपनी बग्गी, ठीक है, उनकी बग्गी में किंग्सफोर्ड और उनकी पत्नी, साथ ही साथ जब यहां पे प्रिंगल कैनेडी निकले, तो दूसरी बग्गी में वो और उनकी मतलब उनकी पत्नी और उनकी बेटी। तो प्रॉब्लम यह हुई कि दोनों की बग्गी सेम थी, ठीक है, तो किस बग्गी पे बम मारे? तो जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की ने बम फेंका, तो अनफॉर्चुनेटली वो दूसरी बग्गी पे गिरा, वो किंग्स फोर्ट पे नहीं गिरा, जिसकी वजह से किंग्स फोर्ट के दोस्त की बीवी और बेटी मर गई। अब जब यहां पे प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस को इसका एहसास हुआ, तो दोनों लोग भागे। तो प्रफुल्ल चक्की ने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया बाद में, है ना। प्रफुल्ल चक्की भागते भागते एक इंसान के पास गए, उस इंसान को पता चला कि अरे तो क्रांतिकारी है, तो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। उसके बाद प्रफुल्ल चक्की वापस जाते हैं, लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि एक पुलिस जब ट्रेन में बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल तड़ी पार होने की कोशिश होती है, लेकिन यहां पे देखते हैं कि ट्रेन में पुलिस वाला होता है जो कि प्रफुल्ल चक्की की खबर दे देता है ब्रिटिशर को। वहीं पे प्रफुल्ल चक्की सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। खुदीराम बोस को पकड़ा जाता है और उनको फांसी पर लटका दिया जाता है। खुदीराम बोस को जब फांसी पर लटकाया जाता है दोस्तों, तो इतना छोटा सा बच्चा, 17 साल के होते हैं, 18 साल के सॉरी, तो यहां पे खुदीराम बोस को देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है। जब खुदीराम बोस फांसी के फंदे को छूने जा रहे होते हैं, तो पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है कि इतना छोटा लड़का कौन है ये, और हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर कोई रो रहा होता है, लेकिन खुदीराम बोस वंदे मातरम नारा लगाते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ जाते हैं। तो ये हमारे क्रांतिकारियों ने किया, और ये अनुशीलन समिति के ही थे, ठीक है ना, ये सब अनुशीलन समिति के थे, क्योंकि जितना भी क्रांतिकारी जो भी बंगाल में होता था, उसमें अनुशीलन समिति तो इन्वॉल्व होता ही था। उसके बाद दोस्तों कर्जन वाइली का जो एसासिनेशन हुआ, कर्जन वाइली को मदनलाल ढींगरा ने मारा था, ठीक है, 1909 में इनको मारा था। और यहाँ पे जिस एसोसिएशन का नाम आया, इंडिया हाउस का नाम आया, जिसकी मैं बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सेंटर ऑफ उस समय जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी, बाहर से ये सब ऑपरेट करते थे। और मैडम भीकाजी कामा भी हम देखते हैं कि वो भी, जिन्होंने भैया बर्लिन में जाके, जर्मनी में जाके भारत का झंडा लहरा दिया था, तो मैडम भीकाजी कामा भी यहाँ पे फुल ऑन एक्टिव थी। वो भी बाहर से ही ऑपरेट कर रही थी, काफी अमीर परिवार में जन्मी, लेकिन उनको तो भारत को आजाद कराना था, तो वो भी एक क्रांतिकारी हो गई थी। वीडी सावरकर को गिरफ्तार किया गया था, वीडी सावरकर को बचाने की भी बहुत कोशिश की थी मैडम भीकाजी कामा ने, लेकिन हो नहीं पाया था, एक अलग कहानी है, किसी दिन और डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1912 में, एक्चुअली कैपिटल शिफ्ट हो रही थी 1912 में, क्या हो रहा था, लॉर्ड हार्डिंग जो समय वाइस रॉय थे, और कैलकटा से दिल्ली, ठीक है, कैपिटल शिफ्ट हो रही थी, पसंद नहीं आया ये। यहां पे हम देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो हाथी पे चढ़े हुए थे, हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, और उनको मारने की कोशिश की थी भैया। रास बिहारी घोष इसमें इन्वॉल्व थे, बम फेंका, लॉर्ड हार्डिंज बच गए, ठीक है ना, बच गए लॉर्ड हार्डिंज, घायल हो गए लेकिन बच गए। अब रास बिहारी घोष भागे फिर वहां से, क्या कर सकते हैं, तुरंत भागे वहां से, लेकिन दिक्कत यह हुई कि बाकियों को पकड़ लिया गया।
ठीक है, और उसको फिर उनके ऊपर सजा चलाई गई और फिर उनको डेथ सेंटेंस दिया गया, ठीक है। तो ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों काकोरी कॉन्स्पिरेसी, बहुत ही फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी जो है वो लखनऊ से 15 किलोमीटर की ही दूरी पे है, 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ही है, और आगे स्टेशन पड़ता है काकोरी। तो हुआ क्या था कि इसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA शामिल था, चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें था ये कि जो ट्रेन जाएगी यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन नंबर 8 पैसेंजर ट्रेन है, उसमें खजाना जा रहा है, ब्रिटिश का खजाना है, हमसे ही लूट के ले जा रहे हैं, तो हम अपना खजाना वापस लेंगे। क्योंकि दोस्तों जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी वो फ्री में नहीं चलती थी, बहुत पैसा लगता था। इन क्रांतिकारियों के पास कभी कभी तो खाने तक के पैसे नहीं होते थे, चने से काम चलाते थे। बड़ी मुश्किल थी दोस्तों, बहुत ही मुश्किल जीवन था, क्रांतिकारी बनना इतना आसान नहीं था। एक तो पुलिस आपको ढूंढ रही है, ब्रिटिशर आपको ढूंढ रहे हैं, दूसरा खाने के लिए भी पैसे नहीं है, पैसे का भी जुगाड़ करना है, नौकरी भी आप नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा दिक्कत, इतना आसान नहीं था। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि कोशिश थी कि ट्रेन को लूटा जाए, अब यहां पे अपने ही खजाना वापस ले रहे थे। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब इन्वॉल्व थे, टोटल 10 रेवोल्यूशनरी थे। तो यहां पे जब ट्रेन काकोरी पे पहुंची तो जो राजेंद्र लाहिड़ी है उन्होंने चेन खींची, अशफाक उल्ला खान ने पिस्तौल लगा दी ड्राइवर के सर पे कि बिल्कुल ट्रेन आगे मत बढ़ाना। ब्रिटिशर को बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, उनको लगा था सब सेफ है। उसके बाद जो वहां पे बक्सा था उसको नीचे उतारा गया, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने जिस बक्से में खजाना था उसको नीचे उतारा गया। लेकिन दिक्कत ये हुई, यहां पे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ट्रेन में सबको बोल दिया था कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, हम क्रांतिकारी हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सिर्फ और सिर्फ ये खजाना लेके चले जाएंगे। तो यहां पे गलती से एक पैसेंजर की मौत हो गई, और एक पैसेंजर की जब मौत हुई तो इसी को ही ब्रिटिशर ने इसका एक पूरा केस बना दिया और बहुत अजीबोगरीब इल्जाम लगाए। 10 जो रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है, ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1925 सुबह 2 बजे थे। तो यहां पे जो रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है, जो क्रांतिकारी है 10 थे। उसके बाद 8,000 रुपए उस बक्से से मिले और वो फिर ले गए, तो सारे रेवोल्यूशनरी सारे क्रांतिकारी इधर उधर बट गए। लेकिन दिक्कत यह हुई कि 1 महीने बाद सबको सितंबर में सबकी धरपकड़ हो गई, 10 के 10 रेवोल्यूशनरी जो है वो पकड़े गए, नहीं, 10 के 10 नहीं, 8 रेवोल्यूशनरी पकड़े गए, ठीक है। इसमें चंद्रशेखर आजाद वो तो कभी पकड़े नहीं गए, वो फ्री थे, और अशफाक उल्ला खान भी, इनको भी ट्रेस नहीं किया जा सका था, ठीक है, ये भी फ्री थे। लेकिन अल्टीमेटली अशफाक उल्ला खान को पकड़ा गया और 4 क्रांतिकारियों को मौत की सजा हुई, लोगों को मौत की सजा हुई, ठीक है। इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, बाकियों को काला पानी भेजा गया और उम्र कैद हुई, ठीक है ना। तो ये चीज थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको अमर बनाया था, ठीक है ना। और ये जो पंक्तियां हैं ये आज भी देशभक्ति से आपको सराबोर कर देंगी। तो हम देखते हैं चिटगोंग आर्मरी रेड। अब इसमें ये आपको पता है चिटगोंग जो है वो बांग्लादेश में है, और उस समय बंगाल जो था वो पूरा बांग्लादेश और आज का जो वेस्ट बंगाल उसको मिला के, और भी बहुत सारे उड़ीसा के जो कुछ एरिया है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, बिहार, वो सब मिला के पूरा बंगाल था। तो यहाँ पे प्लान ये बना, सूर्य सेन ने प्लान बनाया था मास्टर दा, और इसमें पता है महिलाएं भी लड़ रही थी, ठीक है, एक जो ब्रिगेड थी, ठीक है, एक जो ग्रुप था वो महिलाओं का था, इसमें बच्चे महिला सब लड़ रही थी भारत की आजादी के लिए। तो इसमें यही था कि चिटगोंग में जो ब्रिटिशर ने हथियारों का जखीरा रखा है उसको लूट लेंगे, ठीक है। तो यहां पे इस पूरी रेड को 18 अप्रैल 1930 को कंडक्ट किया गया। इसमें टेलीग्राफ लाइंस जो है वो उखाड़ दी गई ताकि कोई कांटेक्ट ना हो सके, ब्रिटिशर टेलीग्राफ से कांटेक्ट करते थे, हेडक्वार्टर्स को मैसेज भेजते थे, ये ना हो सके, रेलवे लाइंस को उखाड़ दिया गया और इस पूरी रेड को कंडक्ट किया गया। लेकिन जब ब्रिटिशर को ये पता चला उन्होंने कार्रवाई की, सूर्य सेन इसमें मेन थे, ठीक है, इनको मास्टर दा भी बोला जाता था, एक टीचर थे, और इनको पकड़ लिया पुलिस ने, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और फांसी पर लटका दिया, ठीक है ना। तो ये चीज, उसके बाद दोस्तों सबसे फेमस सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस और लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस की बात करें तो इसमें भगत सिंह इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हुआ क्या था कि आपको पता ही है कि लाला लाजपत राय को 1928 में, अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जब वो नारे लगा रहे थे कि साइमन गो बैक साइमन गो बैक, तो हुआ क्या था कि लाठीचार्ज हो गया था, और कर्नल स्कॉट ने ये बोला था जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उस समय कि लाठी चार्ज कर दो।
तो यहां पे काफी घायल हो गए थे लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह को बहुत ज्यादा झटका पहुंचा था कि ऐसा कैसे हो गया, तो मूड खराब हो गया था भगत सिंह का। भगत सिंह ने बोला कि लाला लाजपत राय, लाला जी की मौत का बदला तो लूंगा ही मैं, चाहे जो हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने इनको मारा है उनको तो मारूंगा। स्कॉट ने मारा था, लेकिन ये पूरी प्लानिंग की जाती है दोस्तों, पूरी प्लानिंग की जाती है लाहौर में, पूरी प्लानिंग की जाती है कि जैसे ही स्कॉट अपनी मोटरसाइकिल से निकलेगा उसको गोली मार देंगे। चंद्रशेखर आजाद भी इसमें होते हैं, सुखदेव और राजगुरी भी इसमें होते हैं, सब शामिल होते हैं। दिक्कत यह हो जाती है कि कर्नल स्कॉट की जगह जेपी सॉन्डर्स को मार दिया जाता है। ठीक है, तो जेपी सॉन्डर्स को मार दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब इनको मारा तो फिर लाहौर से बाहर निकलना था, बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर यहां पे भगत सिंह को बिल्कुल पकड़ा नहीं जा सका। ठीक है, भगत सिंह तो भागने में कामयाब हो गए, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद तो आजाद थे ही। लेकिन फिर उसके बाद असेंबली में चले गए, असेंबली बॉम्ब केस 1929 में दोस्तों हुआ, 8 अप्रैल 1929। ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली नई दिल्ली। अब यहां पे भगत सिंह ने बॉम्ब फेंके, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दो थे जिन्होंने बॉम्ब फेंके। ठीक है, अब भगत सिंह ने बॉम्ब फेंके, बटुकेश्वर दत्त भी थे, तो यहां पे दोस्तों ये बॉम्ब किसी को घायल करने के लिए नहीं थे। भगत सिंह बोलते थे बहरों को सुनने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे बॉम्ब उस जगह फेंका गया जहां पे कोई नहीं था। ये एक मैसेज था क्रांतिकारियों का, भगत सिंह का, कि अब आजादी दे दो वरना अब तुम बचोगे नहीं। और उसके बाद भगत सिंह के पास पिस्तौल थी लेकिन उन्होंने सारी पिस्तौल पुलिस को दे दी, सरेंडर किया। ये एक मैसेज देना चाहते थे। और सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस होता है दोस्तों, मुकदमा चलता है। फिर इसी में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी जोड़ दिया गया, जो लाहौर में जेपी सॉन्डर्स को मारा था। और अल्टीमेटली हम देखते हैं सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन पूरे देश में यह आवाज उठ गई थी, भगत सिंह ने पूरे देश में अपनी बात को पहुंचा दिया था कि देख लो तुम्हारे लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, अब चुप मत बैठो, उठो। भगत सिंह ने तो बोला ही था ना कि अभी बहुत सारे भगत सिंह और पैदा होंगे, देखते रहो। और उसके बाद जब इनको जेल में बंद किया गया दोस्तों, तो जेल की भी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, और 93 दिन तक इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने दिनों तक कोई भी, कैसे कोई इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। हिम्मत इतनी थी, जोश इतना था कि भगत सिंह और जितने भी जेल में लोग थे, ठीक है, जो भी क्रांतिकारी थे, सबको जेल में बंद किया गया था। इन्होंने हम ये देखते हैं कि हंगर स्ट्राइक की, लेकिन यहां पे 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई तीनों को, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। ठीक है ना, तो ये चीज थी। तो ये लेक्चर था दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों पे। आई होप आपको पसंद आया होगा, मैंने सब कुछ बता दिया है, जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ नहीं पढ़ते। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।